नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। रुपेश सिंह, इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड की हत्या हो गई थी बीते दिनों राजधानी के पॉश इलाके में, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवार जो है वह टूट सा गया है। परिवार के लोगों की नींदें जो हैं वो उड़ सी गई हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके परिजनों से मिलने के लिए छपरा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको छपरा की दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव रुपेश सिंह के पैतृक आवास पहुंचे हैं, जहां उनके पिताजी रुपेश सिंह के पिताजी जैसे ही तेजस्वी यादव को देखते हैं वो फूट फूट कर रोना शुरू करते हैं और अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। देखिए एक पिता की रोती हुई तस्वीर, देखिए एक पिता की तस्वीर, देखिए किस तरीके से वो फूट फूट कर रो रहा है, कैसे उसका बेटा उसके सामने ही नहीं रहा, उसका बेटा उसके सामने ही उसे छोड़कर चला गया। लेकिन इस पिता को कब तक न्याय मिल पाएगा फिलहाल कह नहीं सकते हैं। एक तरफ जहां पुलिस महकमा कह रहा है कि तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके पिता को ढांढस बंधाने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप वहाँ की देख रहे होंगे। आज भी जब तेजस्वी यादव सामने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस का इकबाल जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। क्या कुछ कहते वो कुछ सुनिए और वहाँ की तस्वीरें आप देखिए। छपरा के एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर उनके बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके पिता उन्हें देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। तस्वीरें आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे होंगे। एक सेकंड, फैमिली में पीछे देखो सब, यहाँ तुम लोग सब, यहाँ तुम लोग यहाँ पे लगी नहीं राखी इतना बढ़िया, इतना दिलदार आदमी, सोना बैठना मिलना जुलना अलग से भी ध्यान रखा। तो आपने सभी तस्वीरें देखी हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। देखने वाली बात यह है कि कब तक मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि अपराधी बच नहीं पाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग दावे कर रहे हैं कि अपराधी बच नहीं पाएंगे, लेकिन अपराधी पकड़े कब जाएंगे ये भी सवाल बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।